क्रॉनिक डिप्रेशन के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। क्रॉनिक डिप्रेशन ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये डिप्रेशन वाले ना कोई कैटेगरी में बराबर बैठते हैं, ना कोई डायग्नोसिस में बराबर बैठते हैं और उनको तकलीफ होती रहती है। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एक लड़का मेरे पास में करीब करीब 25 साल का आया। अब वो पिछले 4 साल से एंटी डिप्रेशेंट्स दवाई ले रहा है, अलग अलग डॉक्टर बदल लिए, एंटी डिप्रेशेंट लिया तो उसको ठीक ठीक लगता है और तभी भी 100% अच्छा नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि भाई आत्मविश्वास मेरा बहुत कम है, मैं लोगों को फेस नहीं कर सकता हूँ आत्मविश्वास से। फिर कभी कभी टेंशन आ जाता है बहुत, फिर लगता है कि भाई घर वाले मुझे अबेंडन कर देंगे, मेरे केयर लेंगे नहीं, उसको लगता है कि घर वाले सपोर्ट करते नहीं, उसको सुसाइड के विचार आते रहते हैं, फिर नर्वसनेस आता है, फिर लगता है कुछ पढ़ा नहीं इसमें, जान दो सब एजुकेशन वगैरह छोड़ देंगे, घर पे बैठ जाऊंगा। और बार बार फिर उसको ऐसा लगता है कि नहीं घर से सपोर्ट है ही नहीं। समझो वो कुछ बोलते हैं कि जैसे शादी करो या ऐसा कुछ, तो फिर बोलता नहीं मेरे को शादी नहीं करना है, अभी मेरे को पहले एजुकेशन करने दो, फिर बाद में सेक्स एंड शादी इन बाद में सोचेंगे। सेक्स के बारे में उसके मन में विचार आते कि क्या मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा सेक्स, और बाद में फिर शादी के लिए यदि घर वालों ने बोला कि तेरी उम्र बढ़ रही है अभी शादी करना है, बोलता नहीं मुझे शादी नहीं करना है क्योंकि मेरे को पहले ठीक होने का है। फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए घर से, इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, अकेला पड़े रहता है, होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, नर्वसनेस है और दवाई लेके बहुत कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी क्या है कि एक तरह का इसका ये दिमाग का बिलीफ हो गया, एक पक्का बिलीफ कैसा हो गया कि नहीं मुझे घर वाले सपोर्ट करते नहीं है, कंडीशन सब अनफेवरेबल है, मेरा लक बहुत ख़राब है, मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ, और नर्वसनेस होपलेसनेस छोटी छोटी बात के ऊपर आ जाता है और उसको लगता है फिर ये सब सफ़र क्यों करना है, इससे मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। अभी ये जो इसकी ट्रीटमेंट करना है तो मैंने उसकी ट्रीटमेंट हिप्नोथेरेपी से किया। उसको मैंने बताया कि भाई देखो अभी आपको चॉइस है कि 4 साल से आप गोली खा रहे हैं तो अभी गोली बंद करना है कि कंटिन्यू करना है। नहीं बोले मुझे गोली तो कंटिन्यू करना नहीं है क्योंकि उससे साइड इफेक्ट्स है गोली के। तो फिर मैंने ठीक है फिर मैं आपको हिप्नोथेरेपी सिखाऊंगा, और मैंने हिप्नोथेरेपी और CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये दोनों का उसके साथ में मेलजोल करके उपचार किया, सेशन किए उसके। हिप्नोटिज्म में उसको विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाए, इमेजिनेशन और एज इफ एवरीथिंग इज डन डील, मतलब हुआ है, फेवरेबल है सब कंडीशन, इस तरह का विजुअलाइजेशन, बार बार सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग करना, बार बार उसको सूचना देना, वो करवाया। और बाद में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में जो तुम सोच रहे हो वो कैसा गलत है, जो तुम सोच रहे हो वो एक सोच है और वो एक रिएक्शन है स्टिमुलस को, और वो रिएक्शन सही नहीं है, तो फिर सही क्या हो सकता है, और क्या क्या अर्थ निकाल सकते हैं, जो भी हुआ उसके लिए क्या क्या मीनिंग हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जो मीनिंग निकाल रहे हो वो एक है, बाकी भी कुछ हो सकते हैं, और आपने तो गलत मीनिंग निकाल लिया, आपने तो निगेटिव मीनिंग निकाल लिया। घर वाले सपोर्ट करते नहीं हैं ये एक मीनिंग है, ये एक अर्थ है, एक परसेप्शन आपने बना के रखा हुआ है। घर वाले सपोर्ट करेंगे नहीं ऐसा कभी हो सकता है क्या? आपके माँ बाप आपको सपोर्ट नहीं करते ऐसा कभी हो सकता है क्या? कोई माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर समझो सपोर्ट नहीं करते होंगे तो उनकी मजबूरी होंगी, फिर उनकी क्या मजबूरी वो समझना चाहिए, रादर देन ये बिलीव करना कि नहीं नहीं वो सपोर्ट करते ही नहीं है, वो मेरे फेवरेबल नहीं है, वो मुझे अपोज करते हैं, मतलब इस तरह की बातें करना। तो उसको कॉग्निटिव थेरेपी दिया, हिप्नोथेरेपी दिया, धीरे धीरे उसको गोलियाँ कम करने के लिए बोला। मैंने बोला भाई 10% मेडिसिन आपको ओवर ए पीरियड ऑफ एक हफ्ता 10% गोली कम करना है, टोटल डोज का 10%। और ऐसा उसको टारगेट दे दिया और धीरे धीरे उसकी दवाई भी बंद हो गई, कॉन्फिडेंस भी आ गया। क्या होता है कि दवाई एक बार बंद हो गई तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि उस लगता है कि मैं बिना दवाई का जी रहा हूँ। नहीं तो पहले क्या था, कॉन्फिडेंस लो था कि मैं दवाई के बलबूते के ऊपर, दवाई के सहारे के ऊपर मैं जी रहा हूँ, तो वो उसका चले गया, पढ़ाई अच्छी करने लगा। तो ये संभव है यदि हम उनको दवाई के साथ साथ बाकी भी थेरेपी देते हैं या दवाई धीरे धीरे बंद करवाने लगाते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी डिप्रेसिव को शेयर करो। आज डिप्रेशन की बीमारी जो है वो एक स्टडीज़ के अनुसार 25% है सोसाइटी में, मतलब हर 4 लोगों के पीछे एक जन डिप्रेशन में है। आज आदमी खुश नहीं है, 50 साल पहले जो अवेलेबल था उससे कई गुना ज़्यादा आज अवेलेबल है। तरह तरह की गाड़ियाँ व्हीकल्स उपलब्ध है, तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उपलब्ध है, नए मोबाइल्स आ रहे हैं, नए कम्युनिकेशन के डोर्स ओपन हो रहे हैं। आज जो आपको उपलब्ध है
या आदमी को जो आज उपलब्ध है वो कभी इसके पहले नहीं था हिस्ट्री में, वो आज है सब कुछ। एक बटन दबाओ तो दुनिया की कोई भी जानकारी आपको गूगल पे मिल जाती है, एक बटन दबाओ तो आपकी जानकारी आप अमेरिका भेज सकते हो, तो ये सब उपलब्ध है। तो इसमें आदमी ने खुश होना जरूरी है, मगर हो रहा है क्या है कि आदमी दुखी हो रहा है, ज़्यादा आदमी ज़्यादा टेंशन में आ रहा है। ये यदि हम कोर्स करते हैं, लोगों का काउंसलिंग करते हैं, कोचिंग देते हैं, तो डेफिनेटली लोगों की दवाई भी बंद हो जाएंगी और लोग एक पावरफुल जीवन जिएंगे। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।